नमस्कार, जायका विद संगी में आपका स्वागत है। आज हम कच्चे केले की सूखी सब्जी बनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही आसान और जल्दी बन जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने पैन गर्म करने रख दिया है और उसमें पानी डाल देंगे, कच्चे केले कट करके जो हमने रखे ले लिए हैं, कच्चे केले डाल देंगे। अब इसमें आधा टीस्पून हल्दी डाल देंगे और थोड़ा नमक। मिक्स कर लीजिए और करीबन 10 मिनट तक इसे हम पकने देंगे। और जब केले काटते समय उसे पानी में डालते जाएं ताकि वो काले ना पड़े। अब हम चेक कर लेते हैं। ये एक दबा के देख लीजिए, इसे तैयार है। हम इसको पानी में से निकाल लेंगे, गैस बंद कर देंगे। पैन गरम करने रख दिया है, उसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे, 1 चम्मच जीरा, आधी टीस्पून हींग, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्ची भी डाल दी है, इसे मिक्स कर लें। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 इसे मिक्स करके हम अपने कच्चे केले जो हमने पका लिए हैं वो डाल देंगे। पानी नहीं डालना है अब हमें, हम इसकी सूखी भाजी बना रहे हैं। अच्छे से मिक्स कर लें। 2 टीस्पून अमचूर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और ध्यान रखिएगा कि नमक हमने पहले भी पकने के लिए डाल दिया था। बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। देख लेते हैं, बस हमारी सब्जी तैयार है। इसे सर्व कर लेते हैं। बस हमारे कच्चे केले की सब्जी तैयार है। इसे रोटी पूरी के साथ सर्व कीजिए। इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए।